सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है, समझदारी से जीना सिखाती है। मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होंठ। आज का पंचांग 20 मार्च 2021 दिन शनिवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि सुबह 7:10 तक रहेगी। रोहिणी नामक नक्षत्र शाम 4:46 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:34 से 11:04 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर सुबह 9:09 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। मेष राशि 20 मार्च 2021 दिन शनिवार, दिन आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप छोटी सी बात के बारे में सोच सोच कर परेशान हो। ऐसा सोचना प्राकृतिक है लेकिन ऐसा आपकी घर और कार्यस्थल की शांति और कार्य की गति प्रभावित होगी। यह समय बड़े लक्ष्यों को सोचकर छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देने का है। दिन की शुरुआत अच्छी होगी। आत्मविश्वास और आदर्श को बनाए रखने के लिए आप हर संभव प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। लक्ष्य प्राप्ति में किसी निकट संबंधी का भी सहयोग प्राप्त होगा। किसी धार्मिक अथवा सामाजिक आयोजन का दायित्व भी आप पर रह सकता है। काम और व्यक्तिगत जीवन से संबंधित बातों में आपको स्थिरता नजर आएगी। फिलहाल आपको मिल रहे यश का पूरा आनंद लेने में व्यस्त रहेंगे। इस कारण तय किए हुए बड़े लक्ष्य को नजरअंदाज किया जा सकता है। जीवन में और थोड़ा संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। काम से संबंधित दिए गए जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभा पाएंगे जिसकी वजह से वरिष्ठों की मर्जी आपके ऊपर बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता नजर आएगा। शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए आप अपनी कोशिशों को बढ़ा सकते हैं। सावधानियां, व्यक्तिगत कार्यों में अधिक व्यवस्था की वजह से आप अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे जिससे उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति में भी कुछ उठापटक रहेगी लेकिन तनाव लेने की बजाय धैर्य और संयम से समय व्यतीत करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की गलतफहमी की वजह से नोकझोंक रह सकती है। माहौल को मधुर बनाने के लिए कुछ मनोरंजन डिनर आदि जैसे प्रोग्राम बनाएं। लोग आपके पास सहानुभूति के लिए आएंगे और आप गलती से इसे ध्यान खींचने का प्रयास मान बैठेंगे। जो लोग पहले से किसी संबंध में हैं, वे दिल से एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहेंगे। आप उनके साथ अकेले रहकर चुपचाप से बातचीत के जरिए अपने विचार साझा करना चाहेंगी। बात करते हैं करियर की। आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आपकी प्रगति रुक सकती है। अगर आपने किसी भी गैजेट या कुछ रचनात्मक वस्तु का उत्पादन किया है तो उसे जल्द उस पर कानूनी एकाधिकार करवा लें। लोग ये साबित करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये वस्तु उन्हीं की है, हालांकि वास्तविकता में वे शायद ही कोई भी उत्पाद की एक प्रकृति के निर्माण में आपके करीब आ सकते हैं। पार्टनर संबंधित व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखें, अन्यथा छोटे से गलतफहमी से संबंधों में
दरार आ सकती है। इस समय कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव होंगे जो कि सकारात्मक रहेंगे। बात करते हैं सेहत की। आज आप खुद को किसी ऐसे आदमी की वजह से गुस्से में अनियंत्रित पाएंगे जो बिना बात आपकी सब चीजों में टांग अड़ाता रहता है। इससे आप बेहोश भी हो सकते हैं, इसीलिए अपना ध्यान रखें। आज आप खूब पानी पिएं, अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप शनि भगवान जी को काले रंग का कपड़ा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।